हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपांकर, आपको बहुत बहुत स्वागत है क्रिएटिव वीपो चैनल पे। तो फ्रेंड फिर से आगे एक नया वीडियो लेके, तो फ्रेंड देख सकते हो तो आज मेरा हाथ में एक सैमकॉन का 2.5 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड जो है कि होम थिएटर किट है। तो फ्रेंड सबसे पहले जो बॉक्स है, बॉक्स को पहले ओपन कर लेंगे। तो देख सकते हो, तो जैसे मैं बॉक्स को ओपन किया तो यहाँ पे हमारा जो मेन बोर्ड है वो है, और बॉक्स के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो किट मैं लोकल मार्केट से परचेस किया, आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। तो ये जो लोकल मार्केट मेरे को प्राइस पड़ा 220 रुपीज़ पड़ा है, और ऑनलाइन आप देख सकते हो कभी ऊपर नीचे होता है। तो चलो इस जो पैकेट, इस पैकेट को साइड करते हैं। इस पैकेट को साइड करने के बाद अभी मेरा जो मेन जो किट है, ये किट आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात बोलता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप और किसी वीडियो को देखने नहीं पड़ेगा, और इसका जो कनेक्शन, वायरिंग, सब कुछ बहुत डिटेल में बोलने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे सिलेक्ट करो, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाता है। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया हूँ। पहला वाला होगा थियोरिटिकल, और बाद में प्रैक्टिकल, और उसके बाद टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, पहले थियोरिटिकल में समझने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा तीन आईसी। तो जो आईसी का नंबर है वो है TDA2030, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को तीन आईसी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बोर्ड वगैरह सारे चीज़ लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस बोर्ड का और एक बहुत अच्छा बात है कि यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि कहाँ पर कौन सा चीज़ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट साइड आप लोग को देखने को मिलेगा ऊफर करके लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग को ऊफर वाला जो वायर है इसको लगाना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको, ये हो गया हमारा ऊफर वाला कनेक्शन। तो अभी आएगा यहाँ पे नेक्स्ट, देख सकते हो दोनों नंबर पे यहाँ पे बेस वाला जो कनेक्शन है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे जो तीनों कनेक्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है और पी सेट है तो उसको लगाना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में इस्तेमाल ले रहा हूँ 100K ohms का, ठीक है। तो यहाँ पे वो लग जाएगा। तो फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, मिडिल वाला जो पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, तो पांचों पिन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इनपुट देने के लिए। तो मैं इस वीडियो में ब्लूटूथ कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम कंट्रोल के साथ जो 3.5mm का जो जैक है उसके साथ भी कनेक्शन कर सकते हो। तो उसके लिए अलग से वीडियो चाहिए तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बता देना। तो फिर देख सकते हो, ये हो गया हमारा इनपुट के लिए। बाद में इसमें और भी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे जो 1212 का जो पॉइंट है, यहाँ पे आपका जो ट्रांसफार्मर का 1212 जो ट्रांसफार्मर आता है उसको लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप 2 से 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ करना, और उससे ज़्यादा करोगे तो आईसी के ऊपर कुछ आ सकता है। तो चलो, मैं इस वीडियो में ज़रूर से 2 एम्पियर का यूज़ करने वाला हूँ, और 3 एम्पियर भी कर सकते हो, लेकिन 1 एम्पियर मत यूज़ करो, साउंड एकदम नहीं मिलेगा। और 4 एम्पियर के ऊपर तो मत ही जाओ यार, मतलब ख़त्म हो जाएगा पूरा ऐसी वैसी सब कुछ, ठीक है। तो मेरा तो रिकमेंड है 3 एम्पियर बेस्ट होगा, ठीक है। तो फिर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास लास्ट में आता है एक पॉइंट जो देख सकते हो एसपी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग का जो स्पीकर है उस स्पीकर को यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थियोरिटिकल कुछ बात, और अभी आता है प्रैक्टिकल पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मैं कनेक्शन करने वाला हूँ हमारा जो पोटेंशियल मीटर है, यहाँ पे पी सेट है। तो यहाँ पे 100K ohms का रेजिस्टेंस या पी सेट को यूज़ कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तीनों लेग आप लोग को देखने को मिलेगा, इस तीनों वायर को सिंपली से यहाँ पे तीनों जो पॉइंट है यहाँ पे लगाना होगा। तो सिंपली से सबसे पहले मैं तीनों पिन को तीन वायर लगा दूंगा। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो, ये तीनों वायर लगा देने के बाद अभी इस बोर्ड में इस तीनों जो अनदर साइड है इसको लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जितने सारे वायर यूज़ करने वाला हूँ सारे कलर सफ़ेद है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो देख सकते हो, इस बोर्ड को उल्टा कर देने के बाद यहाँ पे जो पिन है, तीन पिन है, और सेम उसी तरह से यहाँ पर आप लोग को 1, 2, 3 पिन देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल मीटर का मिडिल वाला पिन है, ठीक है, मतलब मिडिल वाला जो ऑप्शन है, इसको सीधे सीधे हमारा जो बोर्ड है, इस बोर्ड का जो देख सकते हो मिडिल वाला जो पॉइंट, आप ऊपर से भी लगा सकते हो, पीछे से भी लगा सकते हो, ऐसा कोई बात है नहीं। तो यहाँ पर जो पीछे वाला कनेक्शन में जो मिडिल वाला पॉइंट है, ठीक है, इस मिडिल वाला पॉइंट में आप लोग को सोल्डरिंग कर देना होगा। तो चलो पहले इसको कर लेते हैं। तो फिर ए वाला पॉइंट को लगा देने के बाद अभी हमारा पास आता है दोनों और वायर, जो है कि पोटेंशियल मीटर से दोनों वायर आता है, ठीक है। तो सिंपली से इस दोनों वायर को मैं इस दोनों साइड में लगा दूंगा, ठीक है। तो लगाने के पहले एक बात बोल देता हूँ कि आपके, देखो फ्रेंड्स, ए वाला साइड इस तरह से घुमाओगे तब आप जो हमारा जो साउंड है वो इंक्रीज होगा, और इस तरफ घुमाएंगे तो हमारा जो साउंड है वो डिक्रीज होगा। तो सोच लो आपका उल्टा सीधा हो रहा है, तो ए वाला जो दोनों वायर है, सोच लो इस तरफ लगाने के बाद आप लोग को जो मतलब यहाँ पे साउंड उल्टा सीधा हो रहा है, तो इसको घुमा के लगाइए तब जो साउंड है वो आप लोग को ठीक ठाक मिल जाए। तो चलो इस दोनों वायर को यहाँ पे लगा देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इस दोनों वायर को यहाँ पे लगा दिया, और अभी आते हैं नेक्स्ट काम पे। तो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट आते हैं हमारा मिडिल वाला पॉइंट, हमारा इनपुट देने का काम।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनपुट देने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ये वाला जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, और ऊपर से ये वाला जो छोटा सा नन्ना सा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये वाला मॉड्यूल को यूज़ करने वाला हूँ इस बोर्ड के साथ, और आप ये वाला मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका कनेक्शन बहुत सिंपल है, सिंपली से यहाँ पे आपका पास जो 5 वोल्ट है इस 5 वोल्ट को देना होगा, और यहाँ पे नहीं तो 12 वोल्ट भी दे सकते हो। और इसके पास जो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो राइट लेफ्ट और ग्राउंड वाला जो ऑप्शन है आप लोग को सिंपली से तीनों वायर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तीनों वायर को यहाँ पे लगाना होगा, तो बाद में बता देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में ये वाला मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो मैं पहले से कुछ वायर वगैरह लगा के रखा हूँ यहाँ पे, मतलब सोल्डरिंग करना ऐसा कोई बात है नहीं। तो सिंपली से यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो कनेक्शन है देख सकते हो, VCC ग्राउंड और राइट लेफ्ट, तो सिंपली से इसको सोल्डरिंग कर दिया यहाँ पे 5 वायर के माध्यम से। तो हमारे पास यहाँ पे जो बोर्ड है, इस बोर्ड में यहाँ पे आप लोग को कनेक्शन करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और एक बात कि ये जो हमारा बोर्ड है, मतलब इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में आप लोग को ग्राउंड और VCC मतलब पॉजिटिव 5 वोल्ट और यहाँ पे नेगेटिव साइड देना होगा। तो सिंपली से उसी तरह से यहाँ पर आप लोग को इस बोर्ड में 5 वोल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ए वाला कनेक्शन आप लोग को ऐसे ही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग को 7805 का जो IC होता है उसको ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में बनाऊंगा तो उसका जो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपली से मैं इस वीडियो में इसको डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करने वाला हूँ, और बाद में इसको डायरेक्ट फिक्स कर दूंगा, ठीक है। तो उसको भी वीडियो आप लोग को जल्दी जरूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद आते हैं इसका मेन कनेक्शन में, आप लोग को इस तरह से सोल्डरिंग कर लेना होगा राइट लेफ्ट और ग्राउंड में। तो अभी आता है ग्राउंड वाला पॉइंट, ये वाला जो मिडिल वाला वायर है ये वाला ग्राउंड वाला पॉइंट, ठीक है। तो देख सकते हो हमारा जो यहाँ पे बोर्ड है, आपके पास यही वाला बोर्ड है, इसी वाला बोर्ड आपके पास भी है तो बहुत सिंपल होने वाला है। तो देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स 12 0 12 का जो पॉइंट है, यहाँ पे 0 वाला जो पॉइंट है ये वाला हो गया हमारा ग्राउंड वाला ऑप्शन। सिंपल सा बात है ना, यहाँ पे हो गया हमारा ग्राउंड वाला ऑप्शन। तो ये जो वायर है मिडिल वाला जो वायर है हमारे इस देख सकते हो VCC मतलब जो वायर 0 है यहाँ पे आप कनेक्शन कर सकते हो। तो सिंपली उसी तरह से देख सकते हो ए वाला हो गया 12 0 12, तो ए वाला 0 वाला पॉइंट है, और इसके साथ ए वाला जितने सारे सोल्डरिंग मतलब एक साथ है शॉर्ट करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर किसी भी जगह पर शॉर्ट कर सकते हो। तो मैं सिंपली से यहाँ पर इसको शॉर्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो इसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया, और अभी बारी आते हैं इस मॉड्यूल का राइट और लेफ्ट वाला ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैं यहाँ पे 2 वायर पहले से लगा के रखा हूँ ये दोनों वायर को, ठीक है, जो राइट और लेफ्ट वाला पॉइंट है देख सकते हो यहाँ पे। तो फ्रेंड देख सकते हो ये वाला जो वायर है ये वाला लेफ्ट साइड के लिए, और ये वाला वायर है ये वाला राइट साइड के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई टेंशन में मत आइए, यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यही वाला बोर्ड है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पिन देखने को मिलेगा, सेम उसी तरह से पीछे की तरफ भी आप लोग को 1 2 3 4 5 साइड मतलब पिन आप लोग को देखने को मिलेगा जो कनेक्शन किया हुआ है पहले से। तो यहाँ पे जो कंफ्यूज ज़रूर मत होना, यहाँ पे आप लोग के पास जो यहाँ पे देख सकते हो राइट वाला जो पिन है ये वाला पिन राइट साइड के लिए, ठीक है, देख सकते हो पहला और दूसरा ये वाला राइट साइड के लिए, और 1 2 3 4 5 मतलब लास्ट वाला जो पिन है ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड वाला जो कनेक्शन है उसको लगा देना होगा, ठीक है, देख सकते हो। तो इसका यही जो बोर्ड है आपके पास यही जो बोर्ड है, और एक बार दिखा देता हूँ, यही वाला जो बोर्ड है इसके लिए सेम कनेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड और लास्ट वाला में लेफ्ट साइड। तो इस दोनों वायर को कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड के लिए ये वाला और लेफ्ट साइड के लिए ये वाला वायर लगा दिया। तो अभी बारी आते हैं फ्रेंड्स हमारा पास जो बॉक्स है मतलब हमारे पास जो स्पीकर है उस स्पीकर का बारी आता है। तो यहाँ पर आप लोग को 2 स्पीकर चाहिए होगा, क्योंकि ये 2.1 का है, तो आप लोग को 2 स्पीकर चाहिए होगा, तो मैं भी 2 स्पीकर ले लेता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे मैं 2 स्पीकर ले लिया जो है कि 5 वाट का, मैं पिछले वीडियो में इसको यूज़ किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे 2 नेगेटिव साइड आप लोग को देखने को मिलेगा, 2 पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे जो 2 नेगेटिव साइड है इस दोनों नेगेटिव साइड को आप लोग को शॉर्ट कर देना होगा आपस में कुछ इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हो जो ब्लैक कलर वायर है वाला नेगेटिव, और ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो वायर है ये वाला वायर नेगेटिव, तो इस दोनों वायर को आपस में शॉर्ट कर देना होगा। तो चलो इस दोनों वायर को शॉर्ट कर दिया, और अभी देखो फ्रेंड्स ये वाला सोच लो आपके पास राइट और लेफ्ट दोनों साइड आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3 पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा। जो मिडिल वाला जो यहाँ पे देख सकते हो जो पॉइंट है ए वाला हो गया हमारा दोनों शॉर्ट किया हुआ है, जो दोनों नेगेटिव साइड है, इस दोनों नेगेटिव साइड होगा हमारा बीच वाला मिडिल वाला, और इस दोनों जो स्पीकर है इस दोनों का पॉजिटिव साइड होगा दोनों साइड पे, ठीक है, सोच लो ये राइट और लेफ्ट, तो ये दोनों साइड पे आप लोग को शॉर्ट कर देना होगा। तो चलो इस दोनों साइड शॉर्ट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे जो तीनों वायर इसको लगा दिया, दोनों स्पीकर है और यहाँ पे जो वायर है बहुत ही सिंपल से लगा दिया। तो फ्रेंड्स अभी आते हैं हमारा ऊफर वाला कनेक्शन में। तो देख सकते हो ऊफर के लिए यहाँ पे दो पिन आप लोग को दिया हुआ है। तो सिंपली से जो ए वाला साइड है ए वाला नेगेटिव और बीच वाला जो ए साइड वाला कनेक्शन है ए वाला पॉजिटिव, तो ऊफर का जो दो साइड होगा पॉजिटिव और नेगेटिव उस दोनों वायर को यहाँ पे लगा देना होगा। तो चलो उसको भी लगा देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे मैं 80 वाट का 4 ओम्स का सब ऊफर यूज़ कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ है। तो इस सेम उसी तरह से इस बोर्ड में दो वायर को यहाँ पे लगा दूंगा। तो चलो इसको लगा देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो इस बोर्ड में इस दोनों वायर को लगा दिया, ठीक है देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप इस सबवूफर में देख सकते हो ऊपर की साइड भी आप इसको लगा सकते हो और पीछे की तरफ भी लगा सकते हो। तो मैं सिंपल से पीछे की तरफ लगा दिया। तो चलो अभी यहाँ पे मेन जो हमारा इनपुट देना होगा 1212 का, तो इसमें आते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे मैं 1212 इनपुट देने के लिए यहाँ पे 2 एम्पियर का एक ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहा हूँ। एक 2 एम्पियर का है, यहाँ पे कहाँ पर भी मेंशन नहीं किया है 2 एम्पियर का, तो लेकिन 2 एम्पियर का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पहले इसको टेस्ट किया हूँ कि यहाँ पे मैं 4 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया था, ठीक है ये वाला 4 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर है इसको यूज़ किया था, लेकिन प्रॉब्लम आया था कि यहाँ पे जो ICA बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है और साउंड ठीक ठाक आ रहा है, साउंड बहुत अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन कहाँ पर भी जो हमारा बहुत हीट होने की वजह से धुआं उठने लगा, ठीक है। तो मेरा तो रिकमेंड होगा आप 4 एम्पियर मत लगाओ, यहाँ पर 2 या 3 एम्पियर लगाओ अच्छा होगा। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है, इस ट्रांसफॉर्मर में ये जो दोनों वायर है ए वाला हो गया हमारा AC मतलब ऑल्टरनेटिव करंट इनपुट देने के लिए जो डायरेक्ट AC इनपुट होगा, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर भी 1212 AC होता है। तो यहाँ पे सब कुछ करके रखा है, बीज रेक्टिफायर वगैरह जैसे 4 डायोड यहाँ पे है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ए वाला वायर है पहला वाला वायर ए वाला 12, यहाँ पे मिडिल वाला 0 और ए वाला 12, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे 1212 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 1212 जो कनेक्शन है इसको कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 1200 ट्रांसफॉर्मर है तो उसको मतलब यूज़ नहीं होगा, आपको 1212 ही चाहिए होगा। तो चलो इसको लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है इसका AC साइड में मतलब ऑल्टरनेटिव करंट साइड में यहाँ पे ए वाला प्लग लगा दिया। अभी इसको डायरेक्ट प्लग लगा देते हैं। तो चलो इसको प्लग में पहले लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अभी इस प्लग को करते हैं यहाँ पे इन, और अभी जो हमारे पास यहाँ ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ठीक है, तो इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में फिलहाल के लिए मैं बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 3.7 वोल्ट बैटरी लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। तो बाद में इसका जो वीडियो आप लोग को ज़रूर बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो चलो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो जैसे मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑन किया यहाँ पे साउंड आ गया, ठीक है। तो अभी यह बेस का जो वॉल्यूम है इसको लो करके रखा है। तो अभी एक फ़ोन से गाना मतलब मॉड्यूल को कनेक्ट करने के बाद एक गाना चला के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो सारे कनेक्शन होने के बाद यहाँ पे फ़ोन से मैं मेरा जो ब्लूटूथ है इस ब्लूटूथ को कनेक्ट कर दिया, और अभी ये सॉन्ग को प्ले करते हैं। तो चलो पहले फ्रेंड देखते हो यहाँ पे जो पोटेंशियल मीटर ये वाला इसको रख देते हैं यहाँ पे और इस सॉन्ग को प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए मैं फ़ोन से यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो वॉल्यूम कंट्रोल है उसको नहीं लगाया, ठीक है। तो जो सॉन्ग है फिर इसको प्ले करता हूँ, और जो साउंड इसको बहुत लो है, और यहाँ पे जो बेस इस बेस को अभी बहुत कम करके रखा हो तो बेस नहीं चल रहा है। तो अभी जो साउंड इसको इंक्रीज करते हैं, तो देख सकते साउंड तो को इंक्रीज कर दिया लेकिन बेस भी नहीं चल रहा है। तो अभी ये वाला जो पोटेंशियल मीटर है इसको अभी इंक्रीज़ करेंगे मतलब साउंड देंगे इस बेस में, और हमारा जो गाना है इसको प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे ट्रिवल के लिए जो दो छोटा छोटा स्पीकर यूज़ कर रहे हो तो इस स्पीकर को अभी डिसकनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जो बेस इसको आप मतलब सुन भी नहीं सकते और ऊपर से देख भी नहीं सकते हो। तो मैं इस दोनों वायर को डिसकनेक्ट कर दूँ, लेकिन जो साउंड है ना इतना ज़्यादा हो रहा है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो चलिए इस दोनों जो स्पीकर इसको डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो दोनों दो स्पीकर था इस दोनों स्पीकर को अभी डिसकनेक्ट कर दिया। तो अभी सिंपली से इस बोर्ड के साथ ए वाला जो बस सबवूफर है इसको कनेक्ट किया। तो फ्रेंड्स ए वाला जो सबवूफर है ना बहुत एक छोटा सा सबवूफर है, तो आप लोग को उतना सा शायद रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग के पास बड़ा स्पीकर हो मतलब बड़ा सबवूफर है तो बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो अभी इस गाना को प्ले करते हैं और देखते हैं। तो देख सकते हो जो स्पीकर मतलब सबवूफर है इसको देख सकते हो और साउंड देख सकते हो फ्रेंड्स। तो
फिर देख सकते हो इसी तरह से हमारा जो सबवूफर है वो अच्छे तरह से काम करता है, और हमारे जो दोनों स्पीकर साथ लगाने के बाद तो और भी अच्छा खासा काम करता है। तो फिर उम्मीद करते हो ये जो कनेक्शन आप लोग को अच्छा लगा और आप घर पर बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हो। तो देख सकते हो इसे कुछ कोई भी दिक्कत आए इस बोर्ड के माध्यम से कनेक्शन रिलेटेड तो ज़रूर से मेरे को कमेंट करना, और तो मैं ज़रूर से आप लोग को रिप्लाई दे दूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगा तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगा तो फ्रेंड डिसलाइक कर देना, और डिसलाइक क्यों कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव करने का जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।